अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, होप सो यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे डेट इज 16 दिसंबर, द डे इज वेडनेसडे। चैप्टर 3 लॉगरिथम एक्सरसाइज 4 कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है लॉग 2 विद बेस 3 मल्टीप्लाई लॉग 81 विद बेस 12। इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाया, आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। लॉग 81 विद बेस 2। अब आपने क्या करना है, आपने लॉग को सेपरेट करना है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है लॉग 2 पे। आपने न्यूमिनेटर में लॉग 2 लिखा, डिवाइडेड बाय आपने बेस को डिनोमिनेटर में लिखना है लॉग के साथ। आपने कैसे लिखना है? आपने लॉग 3 लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। अब आप सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे 81 पे, डिवाइडेड बाय आपने बेस के साथ लॉग को लिखना है। बेस कहाँ लिखनी है? आपने डिनोमिनेटर में लॉग 2। अब आपने देखना है अगर पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, फ्रैक्शन गिवन है, कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो आपने उसको कैंसिल कर देना है। लॉग 2 कैंसिल हो रहा है लॉग 2 के साथ। अब आपके पास रिमेंडर टर्म्स रहेगी है लॉग 81 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 3। अब यहाँ पे देखते हैं 81 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन लॉग है इन दोनों के साथ, आपने इनको सेपरेट कैंसिल नहीं करना। आपने क्या करना है, फुल कैंसिल करना होता है, तो आपने 81 को 3 की फॉर्म में लिखना है। 81 को 3 की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? आपने 81 का एलसीएम फाइंड करना है। 81 का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? 3 में आपने करना है 3 2 6, यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 2 रिमेंडर रहा, तो 2 को 1 से लाएंगे 21 बनेगा, तो 3 की टेबल 21 का आता है 3 7 21। नेक्स्ट है 3 9 20 7, 3 3 9 एंड 3 1 3। आपने 81 को 3 की फॉर्म में लिखना है, तो देखें यहाँ पे 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कैसे लिखेंगे? 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम, तो हम लिखेंगे 81 को 3 की पावर 4। क्या था लॉग 81 लॉग 3 की पावर? आपने यहाँ पे लॉग 3 है, आपने 81 को क्या करना है, लॉग लिखना है, 81 को आपने लिखना है 3 की पावर 4। डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज रहेगा। फिर आपके पास लॉग का रूल है कि जो पावर है हमेशा स्टार्ट में आती है, तो 4 आएगा स्टार्ट में, लॉग अप्लाई होगा बेस पे, बेस क्या है आपके पास 3 है, डिवाइडेड बाय आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब आप देख लें फुल टर्म कैंसिल करनी है, तो लॉग 3 फुल कैंसिल हो रहा है लॉग 3 के साथ, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास 4 है, यही आपके पास आंसर है। सेकेंड पार्ट आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771, log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following। आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है log 32 की, इन वैल्यूज को यूज करना है, log 2 को यूज करना है, log 3 को एंड log 5 को। 32 को हमने क्या करना है, या तो 2 की फॉर्म में लिखना है, या 3 की फॉर्म में लिखना है, या 5 की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने इक्वल का साइन लगाया, log 32 लिखा। फॉर्म में लिखने के लिए आपने 32 का एलसीएम फाइंड करना है रफ वर्क में। ओके, 32 का एलसीएम फाइंड करें। 32 राइट साइड पे देखें, आपके पास 2 है, आपके पास इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2, यहाँ पे 2 है रहा है, रिमाइंडर आपके पास 1 है, 1 को 2 से बनाए 12 बनता है, तो 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब आपने 32 को 2 की फॉर्म में लिखना है, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, मीन्स के आपके पास 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने 32 को लेकर 2 की पावर 5। इक्वल का साइन एज इट इज, लॉग एज इट इज, 32 को हमने क्या लिखना है, 2 की पावर 5। अब आपके पास रूल है कि पावर हमेशा आती है स्टार्ट में, लॉग अप्लाई होता है बेस पे, तो 5 आपके पास आएगा स्टार्ट में, लॉग अप्लाई होगा बेस पे, बेस आपके पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, 5 एज इट इज। अब आप देख लें आपके पास लॉग 2 है, लॉग 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, लॉग 2 किसके इक्वल है, लॉग 2 इस वैल्यू के इक्वल है, सो हम लॉग 2 की प्लेस पे लिखेंगे 0.3010। अब आप देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3010 के साथ, ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, तो आपके पास यही वाला रिक्वायर्ड आंसर है 1.5। 5 के थर्ड पार्ट की तरफ देखें, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 1/3, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे, लॉग लिखेंगे, स्क्वायर रूट एज इट इज, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9, 9 को प्लस करेंगे 1 में, तो 10/3 आएगा। आपके पास है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 10/3, आपने स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 10/3 एज इट इज। पावर में जब कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायर रूट जब हटता है पावर में आता है, तो क्या होता है 1/2। फिर आपके पास
लॉग का रूल है कि पावर हमेशा आती है स्टार्ट में, तो 1/2 फुल आपके पास पावर है, 1/2 आएगा स्टार्ट में, लॉग अप्लाई होगा बेस पे, तो बेस आपको क्या गिवन है, आपको बेस गिवन है 10/3। फिर जब आपके पास कोई से टू नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं लॉग उनके सेपरेट अप्लाई हो रहा है, आपने क्या करना है 1/2 लिखना है, आपने बिग ब्रैकेट डालनी है, लॉग अप्लाई होगा न्यूमिनेटर पे, न्यूमिनेटर गिवन है 10, तो आपने लिखना है लॉग 10। फिर आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है वाई गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है माइनस में, क्योंकि डिवाइड का साइन कन्वर्ट होता है लॉग में माइनस में, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, फिर आपने लॉग अप्लाई करना है डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर गिवन है 3, मीन्स के 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 3। ओके, आपने क्या करना है, या तो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू करनी है 3 में कन्वर्ट करना है 5 में, लॉग 3 गिवन है, लॉग 10 को आप 2, 5 और 3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग एज इट इज 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 5, मीन्स के 2 5 सर 10, नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज। फिर लॉग में क्या है, आपके पास मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट होता है प्लस में, लॉग सबसे पहले अप्लाई होगा 2 पे, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फिर लॉग अप्लाई होगा 5 पे, नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, लॉग 2 की वैल्यू आपको गिवन है 0.3010 प्लस का साइन एज इट इज, लॉग 5 आपके पास गिवन है 0.6990 माइनस, लॉग 3 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.4771। फर्स्टली 1/2 एज इट इज इन ब्रैकेट, आपने इन टू टर्म्स को ऐड करना है, 0.3010 को प्लस करेंगे 0.6990 में आपके पास आंसर आएगा 1, नेक्स्ट वाली टर्म आपने एज इट इज लिखनी है, नेक्स्ट स्टेप में आपने 1/2 एज इट इज 1 में से माइनस करना है 0.4771 को, 1 माइनस 0.4771 आपके पास आएगा 0.5229। अब आपने क्या करना है, आपके पास न्यूमिनेटर है, आपके पास 1/2 आप 2 देखिए डिवाइड हो रहा है, तो 0.5229 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.26145। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट आंसर देना है, तो नेक्स्ट वाले 5th डिजिट को देखिए, वो 5 और 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस इंक्रीज होता है, यहाँ पर 5 है तो 4 की प्लेस पे आएगा 5, प्रीवियस टर्म एज इट इज, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.261।